25 दिसंबर क्रिसमस के ताल्लुक से सुनी थी। आज जो है जो मौजू और जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो न्यू ईयर के ताल्लुक से। न्यू ईयर जो नया साल शुरू होने वाला है, मतलब हम समझते हैं कि नया साल शुरू हो रहा, मगर हमारा नया साल मुहर्रम से है। ठीक, हमारा नया साल जो है मुहर्रम से है। हम मजहबी तालीम पर चलने वाले हैं, मुसलमान हैं। तो मोहतरमा जी ने कहा इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन वाकयात और बेहतरीन चीजें इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह सुभानहू व तआला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। फिस्सिल्मि काफ्फा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, क्या वाज़ेह तौर पर फरमाया कि वो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह तो मोहतरम आदर ने कराम आप तवज्जो फरमाइए कि मुसलमान हो गए, ईमान वाले हो गए, फिर वो ईमान वालों से मुखातिब हो रहा, काफिर से नहीं हो रहा। अल्लाह सुभानहु व तआला सूरह बकरा अल्लाह सुभानहु व तआला ये जो है पारे दो में फरमा रहा कि ए ईमान वालों पूरे के पूरे दाखिल हो। तो मतलब ये है कि मुसलमान होना कमाल नहीं है, मुसलमान होते हुए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा पर, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना, अल्लाह सुभानहू व तआला के कवानीन पर, कुरान पर अमल करना और जिंदगी ऐसे ही गुजारना जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारे, तो ये आमल दुखुलु फिस्सिल्म काफा। आमल दुखुलु फिस्सिल्म काफा। अब आपको एग्जाम्पल में बताओ, एक मिसाल बताओ कि ये जो अल्लाह फरमाए ना आमल दुखुलु फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो दाखिल होने का मतलब क्या है, दाखिल होना मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक पानी का घड़ा, देख मिसाल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पानी का घड़ा है, तो उसमें एक आप सिक्का डालें, एक कॉइन डालें, इसमें एक कॉइन डालेंगे आप, तो वो कॉइन मुकम्मल दाखिल हुआ नहीं हुआ, आप हाथ डाल के निकाल सकते हो। ठीक, हाथ डाल के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से रखिए कि हाथ डाल के निकाल सकते इसको, मगर यही पानी में आप कलर मिलाएंगे तो कलर नहीं निकाल सकते। कलर नहीं निकाल सकते, बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो है कलर नहीं निकाल सकती। तो इसी के मतलब जो है आमल दुखुलु फिस्सिल्मि काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह सुभानहू व तआला पारे एक में फरमाया सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, तुम बेहतरीन रंग अल्लाह का रंग है, अल्लाह के रंग में तुम भर जाओ, अल्लाह के रंग में। तो ये आयत के तहत मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन और इमाम राज़ी लिखते हैं कि यहूद व नसारा का ये मामला है कि जब बच्चा पैदा होता, ईसाई और क्रिश्चियन के पास ये है कि जब बच्चा पैदा होता तो उस वक्त वो बच्चे को जो है एक पानी का बड़ा घड़ा है उसके अंदर होता देते कि अब ये ईसाई बन गया, अब ये ईसाई बन गया, अब ये नसरा मतलब ये ईसाई हो गया, ये यहूदी हो गया। ये आज भी मामूल है लोगों का चर्च, जब भी बच्चा पैदा होता बड़े जो उसके पास उनके जो रहबर है उसके पास लेकर जाकर उसको बच्चे को जो है डुबाते। तो मोहतरमा आदर ने कहा मतलब ये कि आमन दुखुलु फिस्सिल्मि काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में। अब आप आगे क्या फरमा रहे, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो मोहतरमा आदर ने कहा अब ये बात हो गई जहन में, अब दूसरी बात ये है कि इस्लामी साल सा, अब ये है दो चीजें जहन में रखिए, एक है हिजरी एक है ईस्वी। ठीक बोलिए मेरे साथ, एक है हिजरी एक है ईस्वी। हिजरी जो है ये इस्लामी साल है। ठीक, हिजरी जो है ये इस्लामी महीने है और ईस्वी जो है ये ईसाइयों का है। ईसाइयों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक जो है उन लोगों का इख्तिताम मतलब आखिरी साल है, और हमारा जो साल शुरू हो रहा है वो मुहर्रम से शुरू हो रहा है। ठीक, मुहर्रम से शुरू हो रहा है और हमारा साल ज़िलहज पे खत्म हो रहा है, ये हमारा है। तो अलवर्ज आप बताइए कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे हमारे बच्चे हैं जिसको एक मिनट में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सुना सकता बच्चा, एक मिनट में, ओनली फॉर वन मिनट सब चीजें सुना देता। पर आप बोल कह लीजिए कि आप महीने इस्लामी महीने क्या है, तो बताने में जो है बच्चा हासिल बताने में जो है अफसोस हो जाता है, बताइए सद अफसोस, इसलिए कि हमको याद नहीं है मुहर्रम के 12 महीने हैं। ठीक, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल जमादुल अव्वल तमाम ये जितने महीने हैं ना, तो 12 महीने इसके नाम है याद है ना, जरूरी है। इसी तरह मोहतरमा ने कहा अब यहाँ पर हिजरी और ईस्वी में, अब हिजरी समझ में आ गया कि मुहर्रम से, याद रखिए मुहर्रम से हमारा साथ शुरू हुआ मुहर्रम से, और ज़िलहज में अब खत्म हो रहा, और ये ईसवी ईसवी जो है इसी ईसवी इसलिए रखे कि 25 दिसंबर को इनका जहन है, ये इन लोगों के जहन और उनके कॉन्सेप्ट में और इनकी फिक्र है और इनकी ये सोच है कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। तो अब ये पैदाइश से लेते हैं, पैदाइश से ईसवी साल ले, ये 5 दिन जश्न मना के जनवरी की पहली से जो है
ईसवी शुरू कर ली, ईसवी माने ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश। तो मोहतरम आखिरकार ये कॉन्सेप्ट में हमको नहीं जाना, तो आज आप बताइए कि सद अफसोस से जो है कहना पड़ा कि ये नया साल में क्या रिवाज हो गया है, ये जैसा ही आ गया है आज इतना अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा। आप खुद देख लीजिए कि बड़े हजरात हैं सब हैं, आप अपना खुद जायजा लीजिए कि आज माहौल कैसा बिगड़ते जा रहा है कि तमाम लोग जितने भी हैं मतलब तमाम मजाहब के हैं सब अब हिंदू त्यौहार भी है, उनका त्यौहार उनको मुबारक, उनकी तमाम सेलिब्रेशन उनको मुबारक है, मगर आज वो चीज हम एक्सेप्ट करके वो चीज मना रहे। दिवाली आ रही तो हमारे बच्चे मना रहे, इसी तरह जो है आप ले लीजिए न्यू ईयर है, न्यू ईयर में हम मना रहे मोहतरमाज़रीन-ए-किराम, न्यू ईयर में यहाँ तक के आर्टिकल आया कि वो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि न्यू ईयर में सबसे ज्यादा जो गुनाह होता है इसी रात और इसी साल।